अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है तहरीक, तहलील और तस्कीन के हवाले से। यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, एक क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज। बाज़ दफ़ा जब हम तहरीक, तहलील, तस्कीन को तशबीह देते हैं अपने लिहाज से या किसी भी लिहाज से, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन पैदा होती हैं, लेकिन इस तरीके से यकीनन आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और इसके साथ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको यकीनन आप समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज के इस मौजू में हम बात करेंगे, मौजू हमारा जैसे मैंने बात की तहरीक, तहलील, तस्कीन है एंटी क्लाक वाइज और क्लाक वाइज के हवाले से। और तहरीक असल में क्या है, तहलील क्या है और तस्कीन क्या है, इसको मज़ीद मैंने आसान करने की कोशिश यहाँ पर की है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसको क्लाक वाइज डायग्राम कह सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एरोज डायरेक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको इसी ब्लॉक की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है, जिस तरह तहरीक, तहलील, तस्कीन है। तीनों आजा, तीनों मुफरा आजा सिंपल आर्गमेंटोपैथी के तहत यकीनन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एंटी क्लाक वाइज भी बयान किया है। यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं, एक तो तरतीब ये बनती है कि तहरीक, तहलील और तस्कीन, और दूसरी तरतीब है तहरीक, तस्कीन और तहलील। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी शुरू में कन्फ्यूजन हुई थी जब मैंने इस पे चीज़ें ली, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ पे तहरीक, तहलील, तस्कीन का मैंने पढ़ा था, लेकिन नेमत अली शाह साहब के पास जब गए तो वहाँ पर तहरीक, तस्कीन और तहलील की बात हुई तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। अलबत्ता थोड़ा सा गौर फिक्र करने से मेरी ये क्लियर हुई। तो यकीनन मैंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे अगर ये मेरा सवाल पैदा हो सकता है तो यकीनन आपका भी सवाल होगा या आपकी कन्फ्यूजन भी होगी। यहाँ पे मैंने उस हवाले से बयान किया है यानी कि तहरीक, तस्कीन और तहलील के हवाले से। नीचे मैंने बयान जो बात की है वो मकाम मर्ज है। मकाम मर्ज का मतलब है जो मकाम वाला मर्ज है फिर कहाँ पे होगा, तहरीक वाला है, तस्कीन वाला है या तहलील वाला है, तो यहां पर मैंने वो भी बयान किया है तहरीक वाला है। आगे इलाज की सूरतें किस तरह होगी और इलाज को नज़ीम फ़राज़ा के तहत कैसे तरीकाकार है वो मजीद मैंने आसानी भी की है और इसका सबूत भी यहां पे बयान मैंने किया है। अलबत्ता हम अपने असल सबक की तरफ चलते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला है जिस तरह हमारा मौजू है तहरीक, तहलील, तस्कीन, क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज। पहले हम तहरीक, तहलील और तस्कीन को मजीद आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तहरीक का मतलब है क्या होता है, ये ज्यादा आपके लिए अहम है और यही मकाम मर्ज है जिसकी मैंने पहले भी बात की है। तहरीक का मतलब है किसी उज़्व का हरकत में आना, यानी कि हाइपर एक्टिव, हाइपर मूवमेंट आप कह सकते हैं, हरकत में किसी चीज का आना, उसको हम तहरीक बोलेंगे, या उज़्व की तेजी भी इसको कह सकते हैं, या खिलत का बढ़ना। याद रखिएगा जहां पे ये मामला होगा वहां पे तहरीक जो है, तहरीक वाली जगह जो है वहां पे बेसिकली खिलत बढ़ रही होगी। इसकी सादा मिसाल ये है कि जिस तरह की कोई चीज बढ़ चुकी हो किसी भी जगह पे तो आपकी बॉडी उसको जुज बदन नहीं बनाएगी, बल्कि वहां पर ताफन पैदा होगा, खमीर पैदा होगा, और वहां पर कीड़ों का आना या फिर जरासीम का आना वहां पर फितरी अमल होगा। लिहाजा ये जो जरासीम थ्योरी है मैं उसे हटके बात कर रहा हूं, वो भी कभी चारा मौका मिला तो मैं जरासीम थ्योरी को आपके सामने रखूंगा कि किस हद तक इंसान के लिए ये जरासीम थ्योरी फायदेमंद साबित हुई या किस तरह जो कमर्शियल लेवल पे ये चीजें आगे चली, ये इंशाल्लाह किसी भी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इस पर बात करूंगा। अलबत्ता यहाँ पे हम बात ही चूंकि तहरीक तस्कीन कर रहे हैं तो उसी की तरफ हम चलते हैं। दूसरे नंबर पे है तहलील। तहलील क्या है, तहलील का मतलब कम होना, यानी कि यहां मैंने लिखा घटना यानी कम होना या गुलना या उज़्व का फैलना, खिलत का कम होना। यहां पे खिलत कम हो रही होगी, ये याद रखिएगा, यहां पे जहां पे तहलील होगी, जिस उज़्व में तहलील होगी वो कम, उसकी खिलत भी कम हो रही होगी और उसकी जो कंडीशन होगी वो उज़्व फैल रहा होगा। आगे हम चलते हैं तस्कीन क्या है। अब तस्कीन का मतलब है, ये वैसे भी जो तस्कीन के लफ्ज से ही जाहिर हो रहा है कि तस्कीन बेसिकली
रुकना यानी कि जब खिलत रुक रही होगी, ठहरना या सुकून में आना, उज़्ब का सुकून में आना, यहाँ पे उज़्ब की कंडीशन क्या होगी, उज़्ब फैल रहा होगा, यहाँ उज़्ब फैल रहा होगा और खिलत जो है वो रुक चुकी होगी या कम हो चुकी होगी। मैंने लिखा यहाँ पे खिलत जो है वो कम हो चुकी होगी, यानी कि तस्कीन वाला मकाम जो है वहां पे खिलत जो है वो कम हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। आपने इसी को बढ़ाना होता है आज के जिमने में जब आप जाते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, क्लाक वाइज का मामला क्या है और एंटी क्लाक वाइज का मामला क्या है। तो क्लाक वाइज जो है यहाँ पे ये तरतीब होगी, इसको अहम है आपके लिए समझना। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी ही कंफ्यूजन होती है, वो तहरीक तस्कीन को अगर उनको समझ आ जाती है कि इस उज़्ब में तहरीक है तो ये नहीं पता चलता कि तहलील तस्कीन वाले मकाम कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरीकों से समझाने की कोशिश की है। दिमाग, अगर दिमाग में तहरीक होगी, ये वाला उज़्ब जो है इसमें तहरीक होगी, तो तहरीक के बाद मैंने तहलील और तस्कीन की बात की है। यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे बयान करने की कोशिश करूंगा, तहरीक तहलील तस्कीन ये वाला मेथड यहाँ पे फिर क्लाक वाइज होगा। अगर तहरीक तहलील और तस्कीन की बात करेंगे, एंटी क्लाक वाइज नहीं होगा। यानी कि फर्ज करते हैं अगर दिमाग में तहरीक है, आसार में तहरीक होगी, तहरीक अगला मकाम तहरीक बाद तहलील होगी, तहलील फिर जिगर में होगी और तस्कीन आपके उजलात यानी कि दिल में होगी। इसी तरह अगर जिगर में होगी तहरीक तो यहाँ पे दिल वाले मकाम के तहलील होगी और यहाँ पे तस्कीन होगी। इसी तरह अगर दिल वाले मकाम पे तहरीक है तो तहलील दिमाग वाले उज्र में होगी यानी कि असाब में होगी और तस्कीन जो है वो गुदद में यानी जिगर में होगी। इस तरह मैंने जो डायग्राम के अलावा जो यहाँ पे ब्लॉक की सूत्र में समझाने की कोशिश की है वो ये है, इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तहरीक तहलील तस्कीन यहाँ पे मैंने बयान किया है, तहरीक खिलत बढ़ गई है, तहलील खिलत कम हो रही है, तस्कीन खिलत कम हो चुकी है। जिसको कम होना, जो चीज कम हो चुकी है उसी को बढ़ाना है, ये वाला इलाज है। यानी कि अगर दिमाग में तहरीक है, जिगर में तहलील होगी, तस्कीन जो है वो दिल में होगी। इस तरह अगर जिगर में तहरीक है तो तहलील दिमाग दिल यानी उजलात में होगी, तस्कीन दिमाग यानी आसाब में होगी। इसी तरह नीचे अगर दिल में तहरीक है तो तस्कीन तहलील दिमाग में होगी और तस्कीन जिगर में होगी। आगे हम चलते हैं जो नेमत अली शाह साहब जिस तरह बताते हैं, यहाँ पे भी मेरी भी कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, लिहाजा गौर फिक्र करने से ये मेरी क्लियर हुई, तो लिहाजा इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको भी बयान किया है। वो है तहरीक तस्कीन और तहलील, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने नीचे भी बयान किया हुआ है ब्लॉक की सूरत में, तहरीक तस्कीन और तहलील। ये किस तरह होगा, यहाँ पे इस तरह कंडीशन जब होगी तो एंटी क्लाक वाइज कंडीशन होगी। यानी कि फर्ज करते हैं अगर दिमाग में तहरीक है तो तहरीक के बाद तस्कीन अगर फिर वो दिल में होगी और तहलील जिगर में होगी। इसी तरह अगर दिल में तहरीक है, तहरीक के बाद अगला मकाम जो है तस्कीन है, तो यानी कि तहरीक के बाद तस्कीन का मामला है, तो अगर दिल में है तो दिल के बाद जिगर में तस्कीन और दिमाग में जो है यानी कि अगर फर्ज की दिल में अगर तहरीक है तो तस्कीन जिगर में होगी और तहलील दिमाग में। इसी तरह जिगर में अगर होगी तो जिगर में अगर तहरीक है तो तस्कीन जो है वो दिमाग में और तहलील जो है वो दिल वाले मकाम पे होगी। यानी कि इस तरह एंटी क्लाक वाइज आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। तो आगे चलते हैं, मैंने इसको यहाँ पे कैसे बयान किया है ब्लॉक की सूरत में, तो यहाँ पे ये देख लें आप, तहरीक तस्कीन और तहलील मैं यहाँ पे दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि आपने जब भी इसको देखना है, तहरीक खिलत बढ़ चुकी है, तस्कीन खिलत कम हो चुकी है और तहलील खिलत कम हो रही है। यहाँ पे जो आजा की अगर बात करते हैं, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, दिमाग में अगर तहरीक है तो तस्कीन दिल में होगी, तहलील जिगर वाले मकाम पे होगी, यानी कि आसाब में तहरीक, उजलात में तस्कीन और गुदद में तहलील। इसी तरह आगे चलते हैं, इसी तरह अगर जिगर की बात करते हैं, अगर गुदद में यानी जिगर में तहरीक है तो तस्कीन जो है तस्कीन जो होगी वो दिमाग में और तहरील जो है दिल यानी उजलात में होगी। इसी तरह दिल में अगर तहरीक है तो तस्कीन वाला मकाम जो है वो जिगर होगा और तहलील वाला मकाम जो है वो दिमाग होगा यानी कि आसाब होंगे, उजलात, गुदद और आसाब। मकाम मर्ज,
ये बार बार यहाँ पे मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि मकाम मर्ज बकौल साबिर साहब के भी मकाम मर्ज जो है वो तहरीक वाला मकाम होगा, जिस में मैंने शुरू में बात की कि वो जो जरासीम वाला कंसेप्ट है, जिस चीज में इजाफा होगा, खिरत में इजाफा होगा, वहां पे ताफुन खमीर पैदा होने से वही आपके अगर टिश्यूज की बात की, अगर आपके एक एक सेल की भी बात की जाए तो आपके मकाम मर्ज तहरीक वाला मकाम होगा। ये बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी नेमत अली शाह साहब की जो उन्होंने बात की कि नबस के जरिए आप इतने एक्सपर्ट आप होने चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा सेल आपकी बॉडी का इस वक्त भूख के आलम में है, कौन से बॉडी सेल को खुराक पहुंच रही है, किसको नहीं पहुंच रही। ये वाहिद वो तिब है और इसको बिल्कुल जो आसान किया है वो सिंपल ऑर्गेनोपैथी, यानी कि जो मौजूद तिब हैं साबिर मुल्तानी साहब, कमाल का उन्होंने जो नजरिया दिया है, अभी इस दुनिया से ना वाकिफ है। चूंकि इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि मैं इस पर इंशाल्लाह बात करूंगा कि जो नजरिया कंसेप्ट है वो किस हद तक ठीक है और कहां पे कमर्शलाइजेशन को फायदा हुआ। अलबत्ता उसे मैं इंशाल्लाह मौका मिला, अल्लाह ने दिया तो जरूर मैं उस पर वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इलाज की सूरत क्या है ये समझने वाला है। इलाज तस्कीन वाले मकाम पर तहरीक देनी होती है। सादा अल्फाज में अगर इसको बयान मैं करूं, वही पुराना तिब्बे कदीम का तरीका इलाज, सादा अल्फाज में वही पुराना तरीका इलाज जो तिब का था वो ये था कि ये मैं क्लियर करता चलूं, ये नया नजरिया नहीं है, ये साबिर साहब ने भी ये बात की हुई है, उनकी कुतुब में मिलता है कि मैं तिब्बे यूनानी तिब्बे कदीम का नुमाइंदा हूं, अलग से कोई नया कोई नजरिया नहीं है, ये इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम कि ये कोई नई थ्योरी है जी, ये अलग तिब आ गई है, असल में वही तिब है लेकिन इसको आसान करके बयान कर दिया गया है। वही आप देख लो यहां पर जो मैं बात बयान कर रहा हूं कि सौदा का इलाज सफरा से करना है, इसी तरह सफरा का इलाज बलगम से करना है और बलगम का इलाज आपने सौदा से करना है, बिल्कुल सादा और यही सिंपल आर्गेनोपैथी आपको बता रहा होता है। आगे चलते हैं, मजीद आसान मैंने इसको यहां पे किया है। खुश्की का इलाज आपने गर्मी से करना है, गर्मी का इलाज आपने पानी से करना होता है और पानी का इलाज खुश्की से, ये बड़ा ही आसान है, इसको समझना आसान है। सबूत के तौर पर यहां पे जो मैंने बात बयान की है वो ये है, वो आफाकी असूल को आप समझें, जैसे मौसम में तगैर का होना, जिस तरह मिसाल लीजिएगा बाहर का मौसम आता, सर्दी खत्म हुई, सर्दी के खत्म होते ही खुश्की सर्दी से खुश्की गर्मी की तरफ और खुश्की गर्मी के बाद गर्मी खुश्की, गर्मी खुश्की के बाद गर्मी तरी के बाद तरी गर्मी के बाद फिर दोबारा से तरी सर्दी की तरफ, ये इसी तरह मौसम चेंज होते चले जाते हैं। और यानी कि जब आप देखें गर्मी खुशी का मौसम होता है तो कुदरत साथ ही फिर बारिशों की जो पैदा हो रही होती है वो गर्मी तरी होती है, यानी कि इरतकाई मराहल आगे अगला स्टेप जो है वो इलाज भी अपने ऐसे करना होता है कि खुशी गर्मी का इलाज अपने गर्मी खुशकी से, गर्मी खुशी का इलाज गर्मी तरी और तरी गर्मी आगे ऐसे ही आपने चलना होता है। ये सबूत मैंने इसलिए दिया है, मैंने इस पर वीडियो एक बनाई थी आफाकी असूल के हवाले से कि इंसान को जहान असगर और इस कायनात को जहान अकबर कहा जाता है, वो बेसिकली यही बयान किया गया है कि जो आफाकी असूल इस कायनात पे अमल पैरा होते हैं वही आपकी बॉडी पे भी हो रहे होते हैं। और कुर्बान जाऊं मैं इस तिब पे, और ये यकीन जानिएगा ये कुदरत जो है ये वाहिद वो तिब है जो आपको जो खुदा शनासी की तरफ लेके जाती है। बाकी भी है अगर गौरव फिक्र किया जाए, क्योंकि दो ही इल्म जो है, इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान, दीन का इल्म और बदन का इल्म, आज इतनी साइंस ने टेक्नोलॉजी तरक्की की, इंसानी जिसम एक मशीन की मानद है ना, इसमें साथ साथ जो है एहसासात हैं, जज्बात हैं, लेकिन बेसिकली ये दो तरह के ही इल्म है। हदीस के मफहूम के मुताबिक इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान, यानी कि बदन का इल्म इंसानी जिस्म या हैवान कोई भी आप ले लें आप, और दीन का इलम और दीन इस्लाम दीन फितरत है। ये चीजें जो साबिर साहब ने बयान किया ये फितरत से हटके नहीं, फितरत की निशानदेही करते हैं। यकीनन अगर आप तबीब हैं मेरी, आप इस बात को सेकंड करेंगे कि ये जो मैंने यहां पे बात बयान की, इसके अलावा जो भी आप देख ले तरीका इलाज है उनमें बड़ी नाकामियां भी होती हैं और आप देखते हैं वो चीजें, अगर ये साबिर साहब ने अपनी किताबों में लिखा भी है, जो साइंस फलसफा
कुरान मजीद से हटकर है, ना तो वो साइंस हो सकती है ना वो फलसफा हो सकता है, वो बेबुनियाद है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो के मतलब आपका कोई भी सवाल हो या आप मैं यहाँ पे कोई बात ऐसी ना कह चुका हूं आप समझना चाहती हूं तो मजीद कमेंट्स की सूरत में मुझे बताइएगा। और किस तरह के आप लेक्चर्स लेना चाहती हैं सिंपल आर्ग्यूमेंटेशन के तहत, या किस तरह का मवाद आपको समझना आपके लिए जरूरी है, या आप समझ रहे होते हैं यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती, तो मुझे जरूर कमेंट्स की सूरत में बताइएगा। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होती है कि बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बयान कर दिया जाए और जिसको समझना आपके लिए आसान हो और उस पर अमल करना भी आसान हो। क्योंकि मैं थ्रेटिकल बातों के अलावा बाज दफा जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो मैंने सीखी होती हैं वो भी बयान करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, बिल्कुल मुख्तसर तरीके से मैंने यहाँ पे मौजूद जो बयान किया वो तहरीक तहलील तस्कीन का क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज है, जिसमें तहरीक तहलील और तस्कीन क्या है इसको बयान किया है। मैंने इसको दो पैराए में बयान किया, क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज। क्लाक वाइज में तहरीक तहलील और तस्कीन, और एंटी क्लाक वाइज आप देख लें ये इसको मैंने तहरीक तहस्कीन और तहरीर के हवाले से बयान किया। मकाम मर्ज को मैंने बयान किया है वो तहरीक वाला मकाम है, और इलाज की सूरतें जो है वो तस्कीन वाले मकाम पर आपने तहरीर देनी होती है। सादा अल्फाज में पुरानी तिब का वही तरीका जो पहला था, कोई नया नहीं। सौदा को का इलाज सफरा से, और सफरा का इलाज बलगम से, और बलगम का इलाज सौदा से। इसी तरह मजीद मैंने आसान कर दिया हुआ है वो ये कि खुश्की का इलाज गर्मी से, और गर्मी का इलाज पानी से, और पानी का इलाज खुश्की से। सबूत के तौर पर मैंने आफाकी असूल आपको बयान किया, जैसे मौसम तगैयरात का होना ये एक आफाकी असूल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।